प्रणाम। चलिए प्रारंभ किया जाए फिर। द्वंद्व समास की चर्चा चल रही है अपनी, और 2 दिन से अपन द्वंद्व समास के विशेष नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, और वह विशेष नियम कि द्वंद्व समास में जब उभय पदार्थ प्रधान होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व में किस पद का प्रयोग किया जाए, उसके बारे में जो विशेष नियम हैं उन नियम की चर्चा अपन करते हैं। कल भी आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसमें विशेष नियम के तहत हम प्रयोग कर रहे थे। तो कल एक विशेष नियम प्रारंभ किया था कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का प्रयोग पूर्व में होता है, ये एक नियम दिया था, और उस नियम के तहत उदाहरण दिया था हरिहरौ, कि हरिश्च हरस्य इस प्रयोग में हरि और हर ये दो भिन्न भिन्न जो सापेक्ष पद हैं उनको एक साथ हम बोध करना चाहते हैं। उसमें उभय पदार्थ प्रधान होने के कारण इतरे इतरे योग द्वंद्व हम चार्थे द्वंद्व से करेंगे, लेकिन अब पूर्व में किसका प्रयोग किया जाए तो नियम दिया था कि घी संज्ञक शब्द का प्रयोग पूर्व में होगा, और घी संज्ञा की चर्चा हुई थी तो सखी शब्द को छोड़कर इकारांत उकारांत जो शब्द है उसकी घी संज्ञा होती है, जिसके लिए बताया था कि शेष पदार्थ के द्वारा नदी संज्ञक शब्द को छोड़ करके जो रह गया था ऐसे इकारांत उकारांत शब्द, तो हरि शब्द की घी संज्ञा हुई, और घी संज्ञक होने के कारण उसका पूर्व में प्रयोग हो गया। अब उसी में ही फिर एक विशेष नियम दिया कि यदि मान लीजिए वाक्य में एक घिसंज्ञक है, दूसरा अन्य है, अन्य प्रकार के शब्द हैं, तो वहाँ घिसंज्ञक शब्द का प्रयोग हम कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि एक से अधिक घिसंज्ञक वर्ण यदि समास में है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो कहा अनेकोक्ते ही एकस्य नियमः अन्यस्य न नियमः, यदि अनेक है तो उसमें एक में तो ये नियम लागू होगा और बाकी जो रहेगा उसमें आप यथेच्छ प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका उदाहरण दिया था हरि गुरु हराह और हरि हर गुरवाह, तो देखा कि उसमें हर पद जो है वो घिसंज्ञक नहीं है, लेकिन हरि और गुरु पद जो है घिसंज्ञक है, तो एक में नियम हो गया कि हरि का पूर्व प्रयोग कर दिया घिसंज्ञक का, लेकिन गुरु जो है दूसरा जो घिसंज्ञक पद है वो अपेक्षा के अनुकूल पूर्व में जब प्रयुक्त होगा तो हरि गुरु हराहा ये भी प्रयोग बनेगा, और यदि नहीं करेंगे तो द्वितीय में नियम लागू नहीं होने के कारण हरि हर गुरवः ये भी प्रयोग बनेगा। इस तरह से ये सब विशेष नियम हैं। इसी विशेष नियम के आधार पर आगे कुछ जो विशेष नियम हैं ये बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगला नियम है अजादि अदंतम, ये सूत्र है अजाद्यदंतम। तो अजाद्यदंतम जो सूत्र है इसमें अजादि और अदंत ये संधि विच्छेद करेंगे,
तो चूंकि पूर्व अर्थ, पूर्व प्रयोग, ये जितने भी अर्थ है ये पूर्व से आएगा ही, तो पूर्वम प्रयुज्यते ये अर्थ होगा। तो कस्य पूर्वम प्रयोग, किस शब्द का पूर्व में प्रयोग हो, तो उसके लिए अजाद अदंतम, अजादित्वे सति अदंतम इत्यर्थ, माने अच का वर्ण है आदि में जिसके, और अकारांत होने पर, दो चीज है, एक तो अच प्रत्याहार का वर्ण आदि में होना चाहिए और अंत में अकार होना चाहिए। तो ऐसा जो शब्द होगा उसे हम बोलेंगे अजादि अदंत। तो यत अजादि अदंतम पदम तस्य पूर्व प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में ये विशेष नियम किया कि यदि समान वर्ण वाला पद है और दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में अजादि अदंत जो पद होगा उसका प्रयोग पूर्व में करेंगे। उदाहरण देता है ईश कृष्णौ, तो ईशश्च कृष्णश्च, इसमें हम ईश पदार्थ को और कृष्ण, इन दोनों पदों को एक साथ सापेक्ष उद्भूत अवयव विवक्षा में चार्थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर योग द्वंद्व समास करेंगे। वही द्वंद्व समास विभक्ति का लोप होने पर, चूंकि उभय पदार्थ प्रधान है, तो अब कृष्ण का प्रयोग पूर्व में करें कि ईश का करें, इस तरह की स्थिति होने पर नियम दिया कि नहीं, अजादि अदंत जो शब्द होगा उसका प्रयोग पूर्व में करना। तो इस अर्थ होने पर ईश, ये ई अच प्रत्याहार का वर्ण आदि में है, षकार उत्तरवर्ती अकार जो है वो श के अंत में है, तो यह ईश जो शब्द है यह अजादि अकारांत दोनों है। कृष्ण जो है उसमें प्रथम वर्ण हल है क, और अंत में अदंत है, तो अदंत तो दोनों में साम्य है, लेकिन कृष्ण में ककार व्यंजन वर्ण आ जाने के कारण यह केवल मात्र अदंत है, हलादि अदंत है, और नियम कर दिया कि अजाद अदंत शब्द का पूर्व में प्रयोग हो, तो इसीलिए पूर्व निपात हो गया ईश का, तो शब्द बन गया ईश कृष्ण। चूँकि इतरेतर योग द्वंद्व समास में आपने कहा जितने अवयव होते हैं उसकी विवक्षा में जितनी संख्या का बोध है उसमें आधार पर वचन करते हैं, तो जो दो पदार्थ है इसको बताने के लिए द्वित्व की विवक्षा में औला करके ईश कृष्णो हम प्रयोग बना लेते हैं। अब यहाँ ये स्थिति बन गई। फिर इसी तरह से ये भी स्थिति बनी कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर मैं अजाद अदंत वाला शब्द एक से अधिक हो जाए, फिर वहाँ क्या करें, तो उसके लिए भी विशेष नियम में वही कहा बहुषु अनियम, यदि बहुत अजाद अदंत वाला शब्द आ जाए बहुव्रीहि समास, वो द्वंद्व समास में, तो ऐसी स्थिति में भी हमको यही ध्यान रखना है कि जहाँ पर मैं एक जो अग्नि शब्द है घिसंज्ञक शब्द मान लीजिए, और ऐसी स्थिति में दूसरा शब्द आ गया, तो ऐसी स्थिति में आप भिन्न भिन्न स्थिति को देख करके पहले ये पहचानिए कि अजाद अदंत शब्द कौन सा है और कितने हैं, उस हिसाब से नियम की स्थिति को देख करके आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रयोग बना अश्वरथीन्द्राः, इंद्र अश्वरथाः, तो इंद्राश्वरथाः ये प्रयोग है। उदाहरण के तौर पर इसी प्रयोग को देखें तो एक शब्द है कौन, इंद्र,
तो इंद्रश्च अश्वश्च और रथश्च ये तीन पद आ गया, या अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च कुछ भी कर लें। तो अब एक शब्द है अश्व, दूसरा शब्द है रथ, तीसरा शब्द है इंद्र। तो अब यहाँ देखिए कि अश्व जो है ये शब्द अजादि अदंत है, इंद्र शब्द भी अजादि अदंत है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक अजादि अदंत वाला शब्द आ गया। तो अब एक से अजादि अदंत वाला शब्द होने के कारण कहा कि अब वो नियम लागू नहीं होगा अजाद्य अदंत वाला। इसीलिए अब हमारी इच्छा है तो किसी भी शब्द का प्रयोग हम पूर्व में कर सकते हैं। तो जब हम अश्व शब्द को रखेंगे पूर्व में तो अश्व रथ इंद्र ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इंद्र शब्द को पूर्व में रख दिया तो इंद्र रथ इंद्र अश्व रथ ये भी प्रयोग बनेगा। तो अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च एक चीज़, हाँ एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिए कि विग्रह वाक्य में आप ऐसा नहीं है कि इंद्रश्च रथश्च अश्वश्च ये विग्रह करेंगे तो जिस विग्रह के आधार पर आपने प्रयोग किया है पद का तदवदेव उसी क्रम से उसका रूप बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जब आपने क्या कर दिया कि नियम को ये कहा कि अब यहाँ कोई नियम नहीं होगा तो विग्रह वाक्य में कैसा भी प्रयोग करेंगे तो हम उसी हिसाब से दोनों कर सकते हैं। तो अश्व रथ इंद्र, हाँ होता क्या है कि जिस विवक्षा में हमको रखना होता है प्रायः सीधे सीधे ज्ञान करने के लिए विग्रह वाक्य में उसी तरह से हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यदि हम अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च ये विग्रह करते हैं तो इसी रूप में अश्व रथ इंद्र तो अश्वसु रथ सु इंद्रसु ये अलौकिक विग्रह होगा। चार्थी द्वंद्व से समास कर लेंगे क्योंकि उसमें अनेक पद भी आया है तो अनेक प्रथमांत पदों का समास होगा। समास होने के बाद अब उसी अवस्था में विभक्ति लोप हो करके अश्व रथ इंद्र बचा तो अश्व रथ के बाद इंद्र शब्द है आदगुना से गुण कर देंगे तो अश्व रथेंद्र बन गया। अश्व रथेंद्र बनने के बाद चूंकि बहुत्व की विवक्षा है, बहुतो तीन दो से अधिक उद्भूत अवयव है इसीलिए बहुत्व की विवक्षा में जस प्रत्यय करके अश्व रथ इंद्र अश्वरथेंद्र जस जस का अस बचेगा। वही प्रथम एवं पूर्व सवर्णा से दीर्घादि करके अश्वरथेंद्रास स को ऋत विसर्ग करके अश्वरथेंद्राह ये प्रयोग बना। यदि हम इसी को इस रूप में विग्रह कर लेते हैं इंद्रश्च अश्वश्च रथश्च तो जिस रूप में है उसी रूप में जो संधि प्राप्त है उसको करके इंद्रास्वरथाः ये प्रयोग बना लेंगे। अवगतम? तो इस तरह से ये दोनों बातें आई। अब एक प्रश्न ये आता है कि यदि मान लीजिए आपका अजादि अदंत है जिसको आपने पूर्व में प्रयोग करने का नियम बनाया और एक घिसंज्ञक शब्द है जिसका भी आपने पूर्व प्रयोग नियम बता दिया, तो अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि एक ही जगह पर आपके द्वारा विशेष नियम से पूर्व में विधान निश्चित कर दिया गया है कि अजाद्यदंत का भी पूर्व में ही प्रयोग हो और घिसंज्ञक का भी पूर्व में ही प्रयोग हो, तो दोनों में विशेष विधान हो चुका है पूर्व में प्रयोग करने का। ऐसी स्थिति में यदि इसी प्रकार के दोनों शब्द समास में आ जाए, इसी को लेकर के आप समास करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और अग्नि ये दोनों शब्द हैं, तो अब यहाँ इंद्र जो है ये भी अजाद्यदंत है तो अजाद्यदंतत्वात् अस्यापि पूर्व प्रयोगः पूर्वं साधितः,
अग्नि शब्द जो है इस ये घिसंज्ञक है, तो घिसंज्ञकत्वात् शेष वो घे जो आपका पूर्व में प्रयोग था कि घिसंज्ञक शब्द का प्रयोग पूर्व में होता है द्वंद्वे घी, इस नियम से घिसंज्ञक का भी प्रयोग पूर्व में ही प्राप्त है। तो अब दोनों ऐसे शब्द आ गए जो विशेष नियम से प्रभावित है, तो इस विशेष नियम के आधार पर हम अब समस्या आ गई कि किसका प्रयोग करें। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ विशेष नियम के द्वारा दोनों प्रकार के पदों का पूर्व में विधान कर दिया गया है और वो यदि एक जगह उपलब्ध हो जाए तो कहते हैं अजाद्यदंतम विप्रतिषेधेन, मैंने वहाँ विप्रतिषेध नियम लागू होगा। विप्रतिषेध नियम क्या है? तुल्य बल विरोध। तो यदि घयंत शब्द है और अजाद्यदंत शब्द है तो वहाँ विप्रतिषेध नियम के आधार पर शास्त्र का प्रयोग करेंगे। विप्रतिषेध क्या चीज़ है? तो प्रारंभ में हम पढ़ते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र में विप्रतिषेध शब्द का अर्थ करता है तुल्यबल विरोधः। तुल्यबल विरोधः नाम एकस्मिन् लक्ष्ये युगपद शास्त्रद्वयस्य प्रवृत्ति, किसी एक लक्ष्य में एक साथ दो शास्त्रों की यदि प्रवृत्ति हो जाए तो वह युगपद विरोध है, तुल्य बल विरोध है, अर्थात दोनों का नियम है तो उसका भी बल है और दूसरे का भी बल है। तो यदि दो का बल एक साथ प्रवृत्त हो जाए तो उसी को कहते हैं तुल्य बल, और तुल्य बल विरोध हो गया। विरोध इसलिए हुआ कस्यचित एकस्यैव शास्त्रस्य एकस्मिन् काले प्रवृत्ति, किसी एक शास्त्र का एक साथ में प्रयोग जो होगा एक बार में ही होगा, दो शास्त्रों के का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कहा कि यदि इस तरह के विशेष शब्द आ जाते हैं तो विशेष शब्द आने के बाद में तुल्य बल विरोध होने के कारण परम कार्यम बोध्यम, बाद वाला जो कार्य है उसको आपको करना है, तो तुल्य बल विरोध होने पर शास्त्र आपका किया जाएगा। तो पर शास्त्र जो है कैसे देखते हैं? सूत्र की संख्या के आधार पर। तो सूत्र की संख्या के आधार पर हम जब देखते हैं तो अजाद्यदंतम जो सूत्र है वो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 33वें नंबर का सूत्र है। तो ध्यान रखिए कि अजाद्यदंतम सूत्र कहाँ का नंबर है? 2233, और जो द्वंद्वे घी सूत्र है वो 2332। तो 2232 और 2233 ये नंबर है सूत्र का। तो 33 नंबर वाला जो है वो बाद में आ गया, तो बाद में होने से पर नियम हो गया पर शास्त्र, और तुल्य बल विरोधे पर शास्त्रम बोध्यम, तुल्य बल विरोध होने पर शास्त्र बलवान होता है, ये ध्यान रखा जाए। तो पर शास्त्र जो है अजाद्यदंतम यह बलवान हो गया, और बलवान होने के कारण जो आपका घी संज्ञक को मान करके पूर्व में प्रयोग कर रहा था द्वंद्वे घी, उसको रोकेगा और रोक करके अजाद्यदंत वाला शब्द पूर्व में आ जाएगा। तो अजाद्यदंत शब्द आपका हो गया इंद्र, घिसंज्ञक शब्द हो गया अग्नि। तो अब यहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग पूर्व में हो जाएगा, इसीलिए इंद्रश्च अग्निश्च इस विग्रह में दोनों विशेष नियम से पूर्व निपात प्राप्त हो रहा है दोनों को, लेकिन परशास्त्र होने के कारण अजाद्यदंतम यह जो नियम है ये लग गया, लग जाने से इंद्र शब्द का प्रयोग पूर्व में हो गया। तो इंद्रशु अग्निशु, अब यहाँ वही इतरेतर योग समास करके फिर यहाँ इस विशेष नियम के द्वारा, ये विशेष नियम इस वार्तिक के द्वारा कि घयंत जो है और अजाद्यंत है इसका प्रयोग पूर्व में विप्रतिषेध के द्वारा करेंगे। तो घयंत अजाद्यदंतम विप्रतिषेधेन इस वार्तिक के द्वारा पूर्व प्रयोग कर दिया
दीर्घ हो गया तो इंद्राग्नि बना। अब इंद्राग्नि में उद्भूत विवक्षा जो है उद्यत्व है, इसीलिए दो के आधार पर हम इंद्राग्नि शब्द से प्रथमा के द्विवचन में अविभक्ति ला करके पुरुष वर्ण दीर्घादि कार्य करके इंद्राग्नि प्रयोग बना लेंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि शास्त्र के सामने में सारी बातें आती है अपने आप, कि यदि ऐसा करेंगे तो कहीं दूसरी जगह तो दोष नहीं हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार तत्तल लक्षणों को ध्यान में रख करके, प्रयोग को ध्यान में रख करके उस तरह से स्वयं नियम। तो इस तरह से इंद्राग्नि इत्यादि प्रयोग में जहाँ कहीं भी, एक उदाहरण मात्र है, ऐसी स्थिति जहाँ कहीं भी बने, जहाँ विशेष नियम के द्वारा दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त होता हो, ऐसी स्थिति में परशास्त्र जो होगा वो बलवान होने के कारण उसकी प्रवृत्ति करानी है। अवगतम। अब यहाँ इसी तरह से, क्योंकि यह सभी उदाहरण प्रधान है और अधिकतर प्रष्टव्य होता है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि क्रमिक जो है इस द्वंद समास को लिया जाए। अब विशेष नियम के आधार पर फिर प्रारंभ कर रहे हैं दूसरा नियम कि अल्पाच्यतरम। अल्पाच्यतरम ये एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा भी विशेष नियम बताया जा रहा है। पहले संक्षेप में समझ लीजिए, अल्पाच तरम ये सूत्र है। तो अल्पाच जो शब्द है वह सामासिक शब्द है, अल्प मने कम, तो अल्पः अर्थात अल्प संख्या इत्यर्थ है, क्योंकि अल्प जो है संख्या के लिए प्रयोग होता है, थोड़ा, तो थोड़ा जो है वो संख्या का बोधक होगा। तो अल्प संख्या मैंने अल्प संख्या वाला, इसको बोलेंगे अल्पसंख्य, संख्या का अर्थ बोध करने के लिए यह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का बोधक है संख्या के अवयव अर्थ में। तो संख्या, संख्या अस्ति, इस अर्थ में संख्या बोले हैं, इसीलिए हमने कहा अल्पसंख्या अच, अर्थात अल्प है संख्या किसका, अच का। तो इसको सीधी भाषा में कहें अल्प अच वाला, कम स्वर वाला जो शब्द होगा उसे कहेंगे अल्पाच। तो अल्पाच पकड़ेंगे अच वर्ण को, इसीलिए बहुव्रीहि समास होगा इसमें, अल्पः अर्थात अल्पसंख्यः अच यस्य एवं भूतः यह शब्दः सच शब्द अल्पाच इति उच्यते। अब अल्पाच के बाद में तरप प्रत्यय लगा दिया है यहाँ, तो तरप प्रत्यय जो होता है वैसे अतिशय अर्थ को बताने के लिए होता है। यदि दो में से किसी एक के प्रकृष्टत्व अर्थ को बताना हो, दो में से किसी को उत्कृष्ट बताना हो, तो तरप प्रत्यय होता है। तो द्विवचनोपभज्य तरविशूयनो इत्यादि सूत्र है कि यदि द्वित्व की विवक्षा हो, दो में से किसी एक को प्रकर्ष बताना हो, श्रेष्ठ बताना हो, तो तरप प्रत्यय होता है। यदि बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तमप प्रत्यय होता है। इसीलिए बहुषु अयम अन्यः, बहुतों में से यह श्रेष्ठ है तो बोलेंगे अन्यतमः अयम, दो में से ये एक श्रेष्ठ है अन्यतरः इत्यर्थ। तो सामान्य रूप से तरप और तमप प्रत्यय का प्रकर्ष अर्थ में बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में दो होना जरूरी था, यहाँ जब एक ही के लिए बोध करते हैं अल्पसंख्या वाला अच, तो अल्पसंख्या वाला जो अच है वो दो अल्पसंख्या वाला होता तब तो उसमें से किसी को श्रेष्ठ बताते। तो ये तरप प्रत्यय का प्रयोग प्रकर्ष अर्थ में सामान्यतया ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए
यहाँ पर परीक्षा में या वैसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि अल्पाचतरम सूत्र में ये तरप प्रत्यय का क्या अर्थ है, तो हमको कुछ नहीं करना है, स्वार्थ में तरप प्रत्यय करना है, ये स्वयं उसी को बताएगा। तो यदि स्वस्वरूप का बोध कराना हो तो स्वस्वरूप बोध में भी तरप प्रत्यय होता है, तो ऐसे स्थिति में तरप प्रत्यय होगा। तो इस तरह से अल्पाच में किसी ने प्रश्न पूछा कि कर्मधारय नहीं कर सकते हैं क्या, तो अल्प चासु अच इति अल्पाच बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि अल्पाच ये शब्द का बोध कराएगा, अल्प अच वाला क्या। तो यदि केवल मात्र अल्प अच बोध कराना हो तब तो आप कर्मधारय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि सामान्य रूप से हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग करो जिस शब्द प्रयोग के करने पर यदि कोई तीसरा अर्थ अभिप्सित होता हो, वो अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ बहुव्रीहि होगा। यदि मान लीजिए उसी का बोध करना है, समस्त घटक पद का ही बोध करना है, समानाधिकरण है, तो जाके कर्मधारय भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि यदि केवल हम ये कहना चाहते हैं पीला वस्त्र, तो पीतम अंबरम इत्येव मात्र यदा विवक्षा भवति तदा तत्र कर्मधारयोपि अस्तु, तब भी कर्मधारय आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये अर्थ अभिप्सित हो पीला वस्त्र वाला कोई, तो वाला अर्थ जो है वो किसी न किसी को पकड़ के लाएगा, तो पीत वस्त्रधारी अयम कश्चन जनः पीतांबरः भगवान विष्णु इत्यादि स्थल में पीतांबर शब्द से जब अन्य पदार्थ का बोध करेंगे तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो यदि समस्त घटक पद का ही अर्थबोध विवक्षा हो तो विशेष विशेषण होने पर कर्मधारय भी कर सकते हैं। तो यदि अल्प अच है तो अल्पश्चासु अच कम अच केवल इतना ही प्रयोग करेंगे तो हो सकता है, लेकिन जब भी हम अल्प अच बोलेंगे तो कहीं न कहीं उसमें अन्य पदार्थ पकड़ में आएगा कि अल्प अच जहाँ होगा वो संख्यावाची है या अवयव वर्ण है, तो वर्ण जो होगा वह जब भी एक स्वतंत्र भी रह सकता था, अल्प का प्रयोग करते ही संख्या का प्रयोग करते ही ये अवयव आ जाएगा, और अवयव बिना अवयवी का रह नहीं सकता, अवयव रहने पर ही अवयवी बनेगा, तो सीधे अपने अवयवी को बोध करा देगा। ऐसी स्थिति में अल्प अच वाला ये पकड़ में आएगा, और बाला शब्द आते ही वह बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो अन्य पदार्थ कौन होगा, पद, अन्य पदार्थ कौन होगा, शब्द। इसीलिए अल्पाच में यहाँ पर में बहुव्रीहि समास ही होना चाहिए, और बहुव्रीहि समास ही ग्राह्य है, तस्मात् अत्र बहुव्रीहि एव बोध्यः अस्तु। अब यहाँ जब अल्प अच यह अपने अर्थ में ही स्वार्थ में ही तरप प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ उसी को बताएगा, कोई प्रकर्ष अर्थ नहीं आएगा। तो प्रकर्ष अर्थ नहीं है, प्रकर्षार्थ में तरप प्रत्यय नहीं है, तो अल्पाच बन गया स्वार्थ में। और इसी को कहते हैं कि स्वार्थ में जब करोगे तो कैसे करोगे, जब तरप प्रत्यय आपका नियम है तो पाणिनि के नियम के आधार पर तो तरप प्रत्यय उसी में होना चाहिए, तरप प्रत्यय आप कैसे कर देंगे। तो कहा निपातन से स्वार्थ में कर देंगे, निपातन से। अब ये निपातन शब्द व्याकरण में अधिकतर प्रयोग होता है कि निपातनात् निपतन्ति वर्णाः स्वयमेव यत्र, अर्थात जहाँ वर्ण अपने आप में प्रवृत्त होता हो, अपने आप आ जाता हो, उसे निपात कहेंगे। तात्पर्य ये है कि लोक में अर्थबोध करने के लिए जो शब्द जिस रूप में साधु है, उस रूप में यदि कहीं किसी व्याकरण के नियम की प्रवृत्ति नहीं है और लोक में अर्थबोध करा रहा है,
और सार्थक शब्द है तो यथावत तस्य साधुत्वम बोध्यम, यथावत उसमें साधुता बोध करने लेनी चाहिए। तो उसमें जो जो भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे आ गया, तो वो कहते हैं कि निपदन्ति, स्वतः सिद्ध प्रयोग होने के कारण निपात से कर लेते हैं। तो यह निपात ऐसा है जो अर्थ के शब्द की साधुता को बताने के लिए उस नियम से अतिरिक्त भी अर्थ में बोध करा देता है। तो इस तरह से निपातन के द्वारा बहुत कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ स्वार्थ में हम, क्योंकि इसका कोई विभाजक तत्व दूसरा नहीं है, इसीलिए विभाजक तत्व जब दूसरा नहीं होगा तो प्रकर्ष अपने आप में एक में नहीं बोध होगा, इसीलिए कहा स्वार्थ में या हम प्रत्यय कर देते हैं। तो अल्पाचतरम में स्वार्थ में प्रत्यय समझना चाहिए, कहा कोई बात नहीं। तो निपातन से आपने स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया। अब कोई एक प्रश्न ये भी कर दे कि अल्पाच के बाद में तरम है, तरप है, तर बचा। एक सूत्र है व्याकरण का चोकुहु, चोकुहु। तो चोकुहु जो सूत्र है वो कहता है चवर्गस्य कुत्वम स्याद् झलि, चवर्ग के स्थान पर ककार कवर्ग का वर्ण होता है झल प्रत्याहार का वर्ण होने पर। तो यहाँ अल्पाच में जो च है और उसके बाद में तरप का त है, तो तरप का त जो है वो झल प्रत्याहार में आ गया। तो चोकु सूत्र से च के जगह कवर्ग का वर्ण क हो करके सूत्र बनना चाहिए था अल्पाक्तरम, अल्पाचतरम इति कथम। अवगतम नवा अवगम्यते किमपि काठिन्यम तु नास्ति, अयम साक्षात सूत्र एव प्रश्नः, सूत्र एव प्रश्नम करोति यत् कथम तावत् अल्पाचतरम इति सूत्रम भवद्भिः कृतम्, भवतामेव सूत्रम अस्ति चोकु इति सूत्रम्। तर्हि चोकु इति सूत्रेण चवर्गस्य कुत्वं भवेन्नाम झलि परे, तो यहाँ भी झल पर में वर्ण कौन है त, इस त के परे रहने के कारण च को कुत्व क्यों नहीं हुआ। अब पाणिनि का वही नियम और उसकी ही प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन स्वयं साक्षात भगवान पाणिनि ही सूत्र बना रहे हैं अल्पाचतरम। तो कह रहे हैं अत्र कुत्वाभावोपि निपातनात् बोध्यः, यहाँ कुत्व का अभाव भी निपातन से ही समझना चाहिए। तो दो चीज जो है यह निपातन से है भाई, तात्पर्य ये है कि किसी भी पद के अंत में यदि च अक्षर है, च वर्ग का वर्ण है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं वाच, वाच बोलते हैं, तो वाच में क्या होता है कि च को कवर्ग करके क करते हैं तो वाक प्रयोग बनता है, वाक। वाच शब्द के मान लीजिए प्रथमा एकवचन में सु लाते हैं तो वाच सु करते हैं, सु का स बचता है और स का हलंग्याभ्यो दीर्घात सूति से प्रिक्तम हल से लोप करके वाच बना। अब इस वाच में च को हम कवर्ग का वर्ण कर देते हैं, क अक्षर लेते हैं, ले आते हैं, चवर्ग का जो भी वर्ण हो उसके जगह पर कवर्ग का वो वर्ण हो जाए। तो चवर्ग का वर्ण कौन है, च वाच में प्रथम अक्षर, तो उसके जगह क कर देते हैं। किस सूत्र से, झलाम ओ उसमें क्या कहते हैं, चोकु सूत्र से। चोकु सूत्र का अर्थ है चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होता है, या तो झल प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो या पदांत में हो, तो पदांत में होने के कारण वाच में चौको कुत हो जाता है। तो ये नियम तो सब जगह लगेगा, सब जगह जब लगेगा तो वाच के बाद में तर है यहाँ, तो वाच में च है चवर्ग का वर्ण प्रथम, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण हो गया त, तो झल प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण चोकु सूत्र से च को कवर्ग में बदल करके प्रयोग बनना चाहिए वाक तरम, अल्पाक तरम। अब ये अल्पाक तरम प्रयोग नहीं करके प्रयोग बना रहे हैं क्या, अल्पाच तरम। तो भाई डायरेक्ट साक्षात जब सूत्र है कुत्व करने वाला तो उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए,
क्योंकि लक्षण की प्रवृत्ति कैसे होती है, पर्जन्यवत, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही भवति, पर्जन्यवत लक्षण पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। लक्षण की प्रवृत्ति बारिश की तरह होती है, बारिश जैसे हो तो बारिश होगी तो सब जगह होगी, वो ये नहीं समझेगा कि ये सूखी ज़मीन में बरस ले और यहाँ तालाब में पानी है तो यहाँ नहीं बरसें, यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। बारिश होगी तो तालाब में भी होगी और सूखी ज़मीन पे भी होगी, तो इसलिए दोनों जगह जैसे बारिश की प्रवृत्ति हुई, तो जब आप लक्षण नियम बना रहे हैं कोई, तो वो नियम का लक्ष्य जहाँ भी होगा उसकी प्रवृत्ति होगी, चाहे वहाँ उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो ऐसी स्थिति में चोकु सूत्र कहा कि भाई चवर्ग को कवर्ग होता है झल वर्ण बाद में रहने पर, तो झल वर्ण जब बाद में आया तो यहाँ है ही झल वर्ण का वर्ण अक्षर त, तो चवर्ग को कुत्व प्राप्त होगा, लक्षण लगेगा, तो कुत्व हो करके च को क हो करके रू सूत्र बनना चाहिए था अल्पाक्तरम, वो नहीं हुआ। तो कहा कि यहाँ कुत्व का अभाव भी निपातन से कर लेते हैं, निपातन का मतलब अपने आप हो जाना, जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रयोग मान लेना, उसी रूप में व्यवहार करना, ये है निपात। निपतन्ति स्वयमेव वर्णाः, अर्थात वर्ण का जहाँ बोध, वर्ण की उपस्थिति अपने आप स्वतः मानी जाए, उसे कहते हैं निपात। जहाँ लक्षणादि के द्वारा भिन्न प्राप्त होने पर यदि कोई भिन्न अक्षर दिखाई दे रहा है और साधु प्रयोग है, सही अर्थ को देता है, तो ऐसे में उसे निपात के द्वारा उस कार्य को समझना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा यहाँ अल्पाच तरम में तरप जो है वो तो होना चाहिए था दो में से किसी की अधिकता बताने, यहाँ अधिकता है नहीं, तो नहीं है तो हमने कहा कि यहाँ प्रत्यय है, तो स्वार्थ में तरप प्रत्यय है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्वार्थ में जब तरप प्रत्यय है तो स्वार्थ में किस नियम के आधार पर आप तरप कर देंगे, कोई नियम तो है, कहा नहीं नियम की जरूरत नहीं है, निपातन से स्वतः हम इसको मान लेंगे, तस्मात निपातनात् स्वयमेव तस्य प्रवृत्ति एवं यत्र कुत्रा पूर्व निर्धारितार्थः संगतः न भवति तत्र निपातः मन्यते न वा, मम जिज्ञासा अस्ति चेत् निपातः कुत्र कुत्र मन्येत, नहीं एवं नास्ति, एवं नास्ति, यत्र कुत्रापि पूर्व निर्धारितः संगतः न भवति, पूर्व निर्धारितस्य संगतत्वे असंगतत्वे निपातस्य प्रवृत्तिर्नास्ति, शब्दस्य साधुत्व बोधनाय प्रवृत्ति ही तथा अस्ति, यत्र नियमस्य प्रवृत्ति ही, जहाँ पर में शब्द की साधुता हो रही है और उस साधुता में व्याकरण के जो नियम दिखाए देते हैं उस नियम के आधार पर दूसरा स्वरूप होना चाहिए, लेकिन वो न हो करके उसको जैसा प्रयोग है उसी रूप में साधु मान लेना, उसी रूप में व्यवहार करना, वह निपातन है। तो जहाँ वर्ण की सत्ता, कार्य की सत्ता स्वतः मानी जाती हो वहाँ निपातन कहते हैं, और ये नियम सब जगह लागू नहीं होगा। जहाँ लोक सिद्ध शास्त्र सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है ऐसे जगह पर ही होता है, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। इसीलिए संगति को उसको दूसरी भाषा में समझिए, शास्त्र की संगति तो सर्वत्र है ही, लेकिन विशेष अर्थ को बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं और साधु है, उस शब्द की साधुता के लिए उस कार्य को निपातन के द्वारा किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरह से यहाँ दो चीज निपातन से हुआ, एक तो स्वार्थ में तरप प्रत्यय निपातन से हुआ, और पाणिनि के नियम के आधार पर जो कुत्व होना चाहिए था उस कुत्व का अभाव भी निपातन से किया। तो ये दोनों कार्य निपातन के द्वारा किए जाते हैं।
तो इसीलिए यहाँ सूत्र का स्वरूप जो भगवान पाणिनि ने जैसा बनाया अल्पाच्यतरम, वह सूत्र उसी रूप में साधु माना जाएगा, क्योंकि सूत्र भी छंद ही है। तो सूत्रत्वात् सूत्रस्य छंदोवत् रूपत्वात् छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, छंद की तरह सूत्र होता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसीलिए जो यथावत प्रयोग है उसको उसी रूप में साधु मान लेना निपातन है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से यह जो सूत्र है ये कहेगा कि कम अच होगा जिसमें, ऐसे कम अच वाले शब्द का द्वंद्व समास में पूर्व में प्रयोग करना, ये सिद्धांत दिया कि अल्पसंख्यावाचकम यत् पदम, तो अल्पसंख्या वाला अच जिस पद में हो, जिस समास में द्वंद्व समास में अल्पसंख्या वाला जो अच विशिष्ट पद होगा उसका प्रयोग पूर्व में करना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देता है शिव केशवो, तो शिवश्च केशवश्च, तो यहाँ शिव पदार्थ है और दूसरा पद कौन है, केशव। तो अब यहाँ जो शिव है, अब यहाँ दोनों में से कोई अजाद्य दंत वाला है नहीं, घिसंज्ञक शब्द है नहीं, तो जब घिसंज्ञक भी नहीं है जिसके आधार पर किसी का प्रयोग करें, कम अच वाला भी नहीं है जिसका हम प्रयोग करें पूर्व में, तो ऐसी स्थिति में अन्य कोई नियम नहीं होने के कारण, दोनों प्रधान होने के कारण, अब किसका प्रयोग पूर्व में करें किसका प्रयोग बाद में करें ये कोई नियम नहीं है। इस नियम में, इस स्थिति में ये नियम बनाया कि नहीं, कम अच जिसमें होगा उसका प्रयोग पूर्व में करना। तो शिव में दो अच है, शकार उत्तरवर्ती कार, वकार उत्तरवर्ती अकार, तो यह जो दो वर्ण विशिष्ट वर्ण चतुष्टय उत्तरवर्ती इकार, इकार उत्तरवर्ती वकार, वकार उत्तरवर्ती अकार, एतद् जो वर्ण चतुष्टय है, इस वर्ण चतुष्टय में दो, और केशव में देखते हैं कि वर्ण तीन है, अच भी तीन है, क में ए, श में अ और व में, तो इसमें तीन अच होने के कारण ज़्यादा अच हो गया, और शिव में दो अच हो गया, इसीलिए कम अच होने के कारण शिव शब्द का प्रयोग हम पूर्व में कर देंगे, बनेगा द्वित्व की विवक्षा में ओ कर देंगे तो शिव केशव प्रयोग बनेगा। तो इस तरह से ये तय हुआ कि कम अच यदि होगा तो ऐसे वाले का ही प्रयोग द्वंद में करना, यदि विशेष नियम से भिन्न प्रकार का कोई शब्द रहे तो, कहा चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि यदि किसी में समान अच हो, समान अच वाला दो पद आ जाए तो क्या करें, और ऐसा तो कहा कि इसमें एक विशेष नियम दिया कि एक चीज ध्यान रखना कि यदि ऋतु और नक्षत्र का वाचक शब्द हो, ऋतु और नक्षत्र का वाचक शब्द हो, समान अक्षर हो, तो आन पूर्वे न, जिस क्रम में जिसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में उसी आन पूर्वी में, आन पूर्वी माने क्रमिक जो पाठ है उसी के आधार पर प्रयोग करना। तो इस विशेष नियम को बताने के लिए वार्तिक बनाना पड़ा कात्यायन को, और वो वार्तिक हुआ ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम आनुपूर्वेन, ऋतु नक्षत्राणाम ऋतु च और नक्षत्रस्य, तेषां बहुत अर्थ को बताना है, बहुत सारे अन्य नक्षत्र बहुवचन में हैं, इसीलिए नक्षत्रों के ऋतुओं के भिन्न भिन्न होने के कारण बहुवचन में प्रयोग। तो ऋतुवाचक यदि शब्द हो और नक्षत्रवाचक यदि शब्द हो, समान अक्षर वाला यदि हो, तो ऐसी स्थिति में जिसका जिस रूप में पाठ किया गया है शास्त्रों में, लोक व्यवहार में जिसका प्रयोग जिस रूप में माना गया है, जिस क्रम से, उसी क्रम से उसका प्रयोग होता है। तो जैसे हेमंत शिशिर वसंता, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च, तो लोक व्यवहार में भी ऋतु का जो वर्णन है तो षड ऋतुओं में
इसी क्रम से ऋतु का पाठ है और इसी क्रम से ऋतु आता है। हेमंत आएगा, फिर शिशिर आएगा, फिर वसंत आएगा। तो अब यहाँ देखिए, हेमंत जो है इसमें भी समान अक्षर है, शिशिर में भी समान अक्षर है, वसंत में भी समान अक्षर है, अर्थात हेमंत वर्ण के रूप में सीधा अच विशिष्ट वर्ण के रूप में गिन लीजिए, तो हेमंत में भी तीन, शिशिर में भी तीन, वसंत में भी, तो यहाँ सब में तीन तीन जो देख रहे हैं यह समान अक्षर है। तब ऐसे समान अक्षर है, समान अच है, तो क्या करें भैया, तो जिस क्रम में पाठ किया गया है, जिस क्रम में लोक व्यवहार में इसका प्रयोग होता है, उसी क्रम में रखेंगे। तो हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च, इसको इसी रूप में पाठ हो करके हेमंतसु शिशिरसु वसंतसु, तो विभक्ति का लोप हो करके हेमंत शिशिर वसंत। अब ये चूंकि बहुत्व है तो बहुवचन की विवक्षा में जस ला करके अस अनुबंध लोप, वही प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ हेमंत शिशिर वसंतास, सकृत विसर करके हेमंत शिशिर वसंता। तो आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाता है वैसे, अच्छा बताओ द्वंद्व समास में ऋतुवाचक नक्ष शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो जिस क्रम में पढ़ा गया है उसी क्रम में होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह से कहते हैं कृतिका रोहिण्यौ, तो कृतिका और रोहिणी इसी क्रम से ज्योतिष में नक्षत्रों की बात की गई है। ये आप जो नक्षत्रों की बात करते हैं तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा सत्विषा इत्यादि, तो ये जो नक्षत्र बताए गए हैं तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा इत्यादि, ये क्रम है पाठ। तो कृतिका के बाद में रोहिणी नक्षत्र आती है, तो रोहिणी और कृतिका में क्रम जो है पहले कृतिका का, तो कृतिका जब हम देखते हैं तो इसमें भी समान अक्षर है, रोहिणी जो है इसमें भी हम देखते हैं समान अक्षर है, तो ऐसी स्थिति में इसका भी द्वंद्व समास में प्रयोग इसी रूप में होगा। तो कृतिका रोहिण्यौ, तो रोहिणी शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः, तो कृतिका च रोहिणी च, इसी रूप में विग्रह और इसी रूप में इसका प्रयोग, किसी का पूर्व प्रयोग इसमें विशेष रूप से नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा जिस क्रम में नक्षत्र का पाठ, नक्षत्र हमारे आचार्यों ने जिस क्रम से बताया और जिस क्रम से नक्षत्र की गति होती है उसी क्रम के आधार का पूर्व में प्रयोग करके, रोहिणी को बाद में रख करके, द्विवचन में प्रयोग करके कृतिका रोहिण्यौ प्रयोग करेंगे। अवगतम? अब कहा कि इसमें आपने ये नियम क्यों लगा दिया, ये नियम क्यों लगा दिया कि समान अक्षर होने पर यथाक्रम से होगा, तो कहा यदि ये नहीं कहते, यदि ये नहीं कहते समान अक्षर वालों का भी का ही इसी क्रम से पाठ होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि समान अक्षर नहीं कहते तो कम अक्षर वाले शब्द का प्रयोग जहाँ होता वहाँ उसका प्रयोग पूर्व में हो जाता है, तो वो नहीं होता प्रयोग। बात समझ में आ रही? बात मैंने समान अक्षर कहने से क्या हुआ कि जहाँ समान अक्षर वाचक ऋतु होगा, जहाँ समान अक्षर वाचक नक्षत्र, समान अक्षर वाला नक्षत्र वाचक शब्द होगा, वहीं ये नियम लगेगा यथाक्रम। यदि मान लीजिए एक कम अक्षर वाला हो गया और एक ज़्यादा अक्षर वाला हो गया तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा, यथाक्रम वाला नियम। वहाँ जिसमें कम अच रहेगा उसका प्रयोग पूर्व में होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रयोग करते हैं ग्रीष्म बसंतौ, तो ग्रीष्म बसंतौ ये प्रयोग है। तो अब इसमें क्रम क्या है? पहले आपका ग्रीष्म आता नहीं है, पहले तो आता है शिशिर बसंत, फिर जा करके ग्रीष्म। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म में क्रम में
पहले वसंत आता है और फिर ग्रीष्म आता है। तो यदि आप ये कहते, समान अक्षर कहते नहीं, तो क्या कहते कि भाई ऋतुवाचक और नक्षत्रवाचक का यथाक्रम ही द्वंद्व में प्रयोग होता है, यही तो नियम होता। समान अक्षर वाला हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो सारे ऋतुओं में जो जिस क्रम में पढ़ा गया है उसी का प्रयोग होता, नक्षत्रवाची में जो जैसा पढ़ा गया है उसी रूप में प्रयोग होता, तो फिर ग्रीष्म बसंतों प्रयोग कैसे बनेगा? क्योंकि बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, तो बसंत का ही हमेशा प्रयोग होना चाहिए, तो वसंत ग्रीष्मो प्रयोग होना चाहिए। लेकिन लोक व्यवहार में, शास्त्र में ग्रीष्म बसंत हम प्रयोग करते हैं, तो अब ग्रीष्म बसंत करते हैं तो फिर ग्रीष्म का प्रयोग कैसे? चूँकि ये जो नियम था, ये नियम कहा कि नहीं नहीं ये पूर्व में समान अक्षर वाला जो नियम है, ये जो यथावत क्रम में पाठ का जो नियम है वो समान अक्षर वालों में है, यदि कम अक्षर वाला हो जाएगा तो पूर्व नियम लागू हो जाएगा। तब ग्रीष्म में कम अच है और वसंत में ज़्यादा अच है, तो यहाँ आपका अल्पाचतरम नियम प्रवृत्त हो गया और अल्पाचतरम नियम से ग्रीष्म शब्द पूर्व में आ गया, तो इसीलिए ग्रीष्म बसंतों प्रयोग होता है। अवगतम? तो यदि अस्मिन वार्तिके समान अक्षर नहीं कहते तो सभी प्रकार के ऋतुओं का, सभी प्रकार के नक्षत्रों का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिए था, उसी क्रम से होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कम अक्षर वाला होता है उसका प्रयोग हम पहले करते हैं, हम लोक व्यवहार में ग्रीष्म वसंत इसका प्रयोग करते हैं शास्त्रीय भाषा में, इसीलिए ग्रीष्म वसंतौ ही प्रयोग बनेगा, न कि वसंत ग्रीष्मौ, समान अक्षर नहीं होने के कारण। अवगतम? तो यहाँ लघु अक्षर जो है, वहाँ लघु अक्षर वाला जो पूर्व है वह प्रयोग होगा। तो लघु एक नियम आएगा जिसमें कम अक्षर वाला हो उसमें लघु अक्षर का प्रयोग पूर्व में करते हैं, ये भी नियम आ गया है। तो अम एक तो नियम क्या हुआ, अल्पच, तो ग्रीष्म, तो ग्रीष्म में क्या हो गया, एक अच है ई और एक अच है स्म में अ, तो इसमें दो ही अच है और वसंत में तीन अच है, इसीलिए ज़्यादा अच हो जाने के कारण वसंत जो है ऋतु पहले होने पर भी द्वंद्व समास में इसका प्रयोग बाद में हुआ। अवगतम? समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चूँकि ये सब सारे बहुत परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए ये सब उदाहरण बताना केवल अभिष्ट है, इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं है, केवल ये नियम याद रखने की ज़रूरत है, आपको पूर्व में पढ़े हुई चीज़ें स्मरण में आ जाए, इसीलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इसी तरह से छोटे छोटे वार्तिक के द्वारा, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लग करके आगे अपन सीधे बढ़ेंगे। अब चूँकि अर्थ पकड़ में आ गया है, इस तरह से अर्थ करते चलिए। अब जैसे है लघ्वक्षरम पूर्वम, लघु अक्षर वाले शब्द का प्रयोग पूर्व में करना और दीर्घ अक्षर वाले शब्द का प्रयोग बाद में। तो यदि मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि कम अच वाले का प्रयोग पूर्व में हो, तो कम अच वाले का प्रयोग पूर्व में हो ये जब नियम है, तो यदि समान अच है दोनों में तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसे मान लीजिए कुश है और कास है, तो कुशश्च काशश्च, इसमें भी दो ही अच है कुश में, कास में भी दो ही अच है। तो अब यहाँ पर मैं आपका जो सूत्र है अल्पाचतरम, ये तो कहता है कम अच वाले का प्रयोग पूर्व में करो। अब यहाँ कम अच तो है नहीं, दोनों में समान अच है, तो समान अच है तो अब क्या करें? तो इस स्थिति में फिर वार्तिक बनाना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, जिसमें समान अच होने पर भी यदि कोई लघु अक्षर वाला पद हो तो उसका प्रयोग पूर्व में करना। तो हम यहाँ देखते हैं कि कुश जो है, इस कुश में ऊ जो है वो लघु अक्षर है और का में जो आ है ये गुरु अक्षर है। अवगतम? क्योंकि संज्ञा प्रकरण में आप लोग पढ़े होंगे क्या, गुरु संज्ञा करने वाला सूत्र और लघु संज्ञा करने वाला सूत्र। तो हरस्वम लघु,
जिसको हम ह्रस्व बोलते हैं उसी को व्याकरण में लघु संज्ञा होती है, उसको लघु बोलते हैं। जिस लघु का प्रयोग साहित्य आदि में छंद में हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये लघु वर्ण है, ये गुरु वर्ण है, तो लघु संज्ञा है, लघु बोलते हैं। क्योंकि शब्द के बारे में जो तय करेगा वो तो व्याकरण ही तय करेगा ना, कि किस शब्द को क्या कहें। साहित्य वाला सब लाएगा कहाँ से, व्याकरण वाला ही कहेगा कि इसको, इस शब्द को इस रूप में समझना। तो ह्रस्वम लघु, ये सूत्र कहा कि ह्रस्व जो अच है उसको लघु संज्ञा हम करते हैं, उसकी लघु संज्ञा होती है, उसका नाम लघु है। और दीर्घम च, दीर्घ जो अक्षर है उसकी गुरु संज्ञा होती है। और वहाँ एक विशेष नियम भी आया है जो वहाँ अभी जाने की ज़रूरत नहीं, कि यदि मान लीजिए कि कोई संयुक्त अक्षर बाद में हो, उससे पूर्व में यदि लघु अक्षर है तो संयोग वर्ण बाद में होने पर पूर्व जो लघु वर्ण होता है उसकी भी गुरु संज्ञा हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं रामस्य, तो रामस्य जब प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई पूछे कि रा में जो आ है ये क्या है, ये गुरु है, आ है। स्य में स और य दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ होने पर ह्रस्व वर्ण है तो अंत में है, तो हम कह देंगे इसमें रा में आ जो है एक गुरु है और स्य में जो है लघु है। तो व्यंजन वर्ण के आधार पर हम नहीं लेते हैं, स्वर के आधार पर लेते हैं लघु या गुरु है। तो इसमें दोनों वर्ण में भिन्न भिन्न देख रहे हैं। अब यदि ऐसे ही शब्द में कोई बीच में एक ह्रस्व वाला वर्ण आ गया, जैसे मान लो हमने कहा तद्धितस्य, तो तद्धितस्य में त जो है, तद्धितस्य में तद्धित वाला जो त है ये त में ह्रस्व अक्षर है, लेकिन आगे इसके पर में संयुक्त वर्ण हो गया कौन, स्य य, तो तद्धितस्य में स्य से पहले जो त में अ है ये वर्ण गुरु माना जाएगा। तो संयोगे गुरु, तो संयुक्ते वर्णे परे पूर्वम गुरु संयम स्यात्, संयुक्त अक्षर यदि बाद में हो तो उससे पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसकी, पूर्व वाला जो ह्रस्व वर्ण होगा उसकी भी गुरु संज्ञा होगी। और दीर्घ जो अक्षर है स्वर उसकी भी गुरु संज्ञा होगी। तो ये सूत्र कहता है कि लघु अक्षरम पूर्वम, लघु अक्षर वाला जो शब्द हो अर्थात जिसमें लघु वर्ण पढ़ा गया हो, ऐसा जो शब्द होगा उसका प्रयोग पूर्व में होगा। तो कुश में जो ऊ है ये लघु अक्षर है और लघु अक्षरवाचक शब्द होने के कारण इसका प्रयोग हम पूर्व में कर दिए। क्यों, कि काश जो है वो उत्तरवर्ती जो पद है काश, उस काश में आ जो है ये गुरु वर्ण है। तो इसीलिए समान अच होता हुआ भी लघु अक्षर वाला जो कुश, इस पद का प्रयोग हम पूर्व में कर दिए तो कुश काशम प्रयोग बन गया। इसी से जहाँ कहीं भी प्रयोग होगा, जैसे हम आपको भिन्न भिन्न अपवाद नियम जैसे आएगा उसकी चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर यही हम आगे आ गया विशेष नियम में, इसके उदाहरण में बताएंगे। अब इसी तरह से अगला नियम आ गया अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम च ये भी विशेष नियम है पूर्व प्रयोग करने के लिए। इसका प्रयोग पूछ भी दिया था पिछले साल की परीक्षा में कि इसमें किस रूप में प्रयोग हुआ, इसमें किस नियम से पूर्व प्रयोग हुआ। तो अभ्यर्हित का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभ्यर्हित का मतलब सम्माननीय। तो यदि कोई सम्माननीय हो, श्रेष्ठ हो, तो ऐसे श्रेष्ठ वाचक सम्माननीय का बोधक जो पद होगा, जो सम्मान को बताएगा, जिसमें सम्मान अर्थबोध होता हो, उसे कहते हैं अभ्यर्हित। अभ्यर्हित पद का यहाँ पर में सीधा सीधा अर्थ क्या है, सम्माननीय। तो जो सम्माननीय होंगे, सम्मान के पात्र होंगे, ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग हमको पूर्व में करना है। उसको बताने के लिए नियम दिया अभ्यर्हितम च, ये वार्तिक। और उदाहरण क्या दे रहा, तापस पार्वतौ। तो तापस पार्वतौ यहाँ
तापस एक पद है और दूसरा पद है आपका पार्वत। तो पार्वत को समझ लीजिए, इसी का हम पार्वती प्रयोग बनाते हैं। तो पार्वत शब्द यहाँ पार्वती को छोड़ करके पर्वत पर होने वाला, पर्वते जातः पार्वतः, पर्वत पर जो हो वो हो गया पर्वत, पार्वत, पर्वत संबंधी इत्यर्थ। और एक हो गया तापस, तो तपस धर्म से युक्त जो होगा उसे कहेंगे तापस। दोनों में ध्यान में दीजिएगा, तपस धर्म से युक्त जो होगा तपसी जातः तापसः। तो दोनों में मूल शब्द में तद्धित प्रत्यय लग करके बना हुआ है तापस। तो एक शब्द है तापस, एक शब्द है पार्वत, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर में तापस शब्द जो है उसको अभ्यर्हित माना गया है, तापस को अभ्यर्हित माना गया है, किसकी अपेक्षा? पार्वत की अपेक्षा। क्यों माना गया है? कि पर्वत जो है वह अचेतन पदार्थ है। तो अचेतन पदार्थ पर्वत इस अर्थ के प्रति, तपस धर्म जो है वह चेतन पदार्थ से युक्त होने के कारण तदपेक्षया तापसस्य अभ्यर्हितत्वं बोध्यम्। तो पर्वत की अपेक्षा तपस धर्म से युक्त जो होगा वह अभ्यर्हित होगा, इसीलिए अभ्यर्थित होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण तापस का प्रयोग हमने पूर्व में कर दिया। तो तापस और पार्वत दोनों में तापस चेतन धर्म विशिष्ट होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण इसका प्रयोग कर देते हैं। इसी को परीक्षा में, पिछली बार की परीक्षा में इसका दूसरा उदाहरण पूछ दिया था, माता पितरौ, इसमें किस नियम से हुआ? तो ना माता पितरों में भी ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्हित है माता, पूजनीय है माता, सम्माननीय है माता, पिता की अपेक्षा माता को बहुत अधिक सम्माननीय माना गया है, माँ श्रेष्ठ कही जाती है। तो यद्यपि पिता भी श्रेष्ठ हैं, अन्य की अपेक्षा पिता श्रेष्ठ है, लेकिन माता पिता में यदि श्रेष्ठता का निर्धारण किया जाए तो ऐसे में माँ श्रेष्ठ मानी जाती है। कथमिति चेत, तो गर्भधारण पोषणाभ्याम पितुर्माता गरीयसी, ये सूक्ति वाक्य प्रचलित होता है, गर्भधारण पोषाभ्याम पितुः माता गरीयसी, क्योंकि माँ अपने पुत्र को गर्भ में धारण करती है, उसका पोषण करती है माता ही। तो इसीलिए पिता की अपेक्षा गर्भ धारण कर उसका पोषण कर उसे एक स्वरूप प्रदान करने के कारण माता को श्रेष्ठ माना जाता है। वो अलग चीज़ है कि आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन किसका भी निर्धारण हो, गुरु की अपेक्षा माँ श्रेष्ठ, माँ की अपेक्षा गुरु श्रेष्ठ या क्या, ये सब सिद्धांत अलग है, लेकिन जो भी है उस सब में माँ को श्रेष्ठ माना गया है। तो इसीलिए माता जो है अभ्यर्हित है, इसीलिए माता च पिता च इति माता पितरौ या पितरौ जो भी प्रयोग करते हैं, तो एक शेष जब नहीं होगा तो माँ का प्रयोग श्रेष्ठ में पहले होता है, इसीलिए माता पितरौ प्रयोग बनता है अभ्यर्हित होने के कारण। अब कहते हैं कि यदि इसी तरह से ध्यान दीजिए कि यदि हम स्त्री और पुरुष की बात करें तो हमेशा स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग पूर्व में होता है, क्योंकि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति में हमेशा श्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए जो आज के ज़माने में ये डंडे की चोट पे ये कहा जाता, भाई बराबर बराबर, समानता समानता, अरे तुम तो समानता की बात करते हो आधुनिकों, हमारी संस्कृति में तो स्त्री को, महिला को पुरुषों की अपेक्षा हमेशा श्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है। जैसे कोई भी स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, हम क्या बोलते हैं? सीता राम, राम सीता नहीं बोलते,
सीता च रामस्य इति सीता रामौ, राधा कृष्ण यही प्रयोग करते हैं। तो सीता राम राधा कृष्ण यही प्रयोग होता है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री को, हाँ कुछ अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं शिव पार्वती, तो शिव पार्वती में शिव पूर्व में आ गए, पार्वती पर में, तो ये नियम यहाँ लागू नहीं हुआ। तो हमको कोई पूछता है ऐसा क्यों होता है, तो मैं तो ये कह देता हूँ कि शिव के सामने में, भगवान शंकर के सामने में किसी कोई नियम लागू नहीं होता, उनके अधीन ही सारे नियम चलते हैं भाई, उनमें कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वहाँ अल्पाच्यतरम ये विशेष नियम लागू हो जाता है, तो इसीलिए अल्पाच्यतरम है, इस विशेष नियम से शिव शब्द का प्रयोग पूर्व में हो जाता है, इसीलिए शिव पार्वती प्रयोग होता है। लेकिन सामान्य न, यदि हम देखते हैं कि समान अक्षर हो और पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक हो, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थ होने के कारण वहाँ पर में प्रयोग पूर्व में होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरह से ये अभ्यर्थम च इस वार्तिक के द्वारा तापस पूर्वश इत्यादि जितने भी हैं, तापस और पार्वत, इसमें तापस को श्रेष्ठ मान करके पूर्व में प्रयोग हो गया, माता पितरों में माता को श्रेष्ठ मान करके पूर्व में प्रयोग हो गया। इस तरह से जहाँ कहीं भी श्रेष्ठता का बोधक शब्द होगा, उसका प्रयोग द्वंद्व समास में पूर्व में होगा। इसी तरह से सीधे सीधे नियम चलते जा रहे हैं। अब कहा कि यदि मान लीजिए आपके पास अब जो प्रयोग होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो आश्रम, ये जो वर्णवाचक शब्द हैं, इसका प्रयोग कैसे करें, तो कहा इसमें भी वर्णानाम आनुपूर्वे न, जैसे पीछे कहा था कि ऋतु नक्षत्राणाम समानाक्षराणाम आनुपूर्वे न प्रयोग, समान अक्षरवाचक हो, ऋतुवाचक हो या नक्षत्रवाचक शब्द हो, तो जैसा है उसका आनुपूर्वे नहीं प्रयोग होगा। लेकिन वहाँ तो विशेष नियम भी कर दिया कि नहीं नहीं समान अक्षर में ही ये नियम लागू होगा, यदि समान अक्षर नहीं है तो कम अच वाले का प्रयोग पूर्व में कर देना। तो कृतिकारोहिणी इत्यादि में क्रमिक बोध किया, हेमंत शिशिर वसंत में क्रमिक बोध किया समान अक्षर होने के कारण, लेकिन ग्रीष्म वसंत में ग्रीष्म का प्रयोग पहले किया ऋतु के क्रम के भिन्न होने पर भी, क्योंकि ग्रीष्म का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु बाद में आता है वसंत के बाद। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, जो आपके ये जो वर्ण का जो क्रम दिया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें, इसीलिए इसका जो क्रम पढ़ा गया है वो, अब कोई पूछे इसको क्यों श्रेष्ठ कर दिया भाई, ब्राह्मण को क्यों श्रेष्ठ कर दिया, क्षत्रिय को क्यों नहीं श्रेष्ठ किया और वीट शूद्र, ये बहुत एक चर्चा का विषय होता है। लेकिन जिसको भारतीय संस्कृति धर्म का स्वरूप और इसकी परंपरा का ज्ञान नहीं होता, यही सब केवल आधुनिकता की दृष्टि में बिना शास्त्रीय ज्ञान के आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। यहाँ श्रेष्ठता इत्यादि इत्यादि के जितनी भी बातें हैं, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, बलाबलत्वेन बोध कम होता है, फिर भी प्राधान्य अप्राधान्य से प्रयोग होता ही है। तो आपका जो वैदिक सिद्धांत आदि है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः, तो जब आप मुख मानते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए कि आपका एक जो शरीर है, इस शरीर में जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सारे के सारे ज्ञानेंद्रिय आपके कहाँ आते हैं, गर्दन के ऊपर। आपके शरीर का जो उन्नत हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये सब ज्ञानेंद्रिय यहीं पर में है, चाहे आँख ले लीजिए, नाक ले लीजिए, जिह्वा ले लीजिए, कान ले लीजिए, जो भी है ज्ञानेंद्रिय जितने भी हैं सब ऊपर में है।
और यदि व्यक्ति में ज्ञानेंद्रिय खत्म हो जाए, चेतना खत्म हो जाए, ज्ञानेंद्रिय समाप्त काम करना बंद कर दे, तो कर्मेंद्रिय अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्रिय हिस्सा जो है ना प्रधान है, सारा दिमाग सब ऊपर में ही बताते हैं। इसीलिए जैसे हम शरीर में, लेकिन आप एक बात बताइए कि आपका ज्ञानेंद्रिय है और हाथ काम नहीं करे, पैर काम नहीं करे, बाहु काम नहीं करे, जिह्वा काम नहीं करे, जंघा काम नहीं करे, शरीर अस्तित्व ही न हो जाएगा। तो ये सारे शरीर के धर्म जो जितने भी अवयव हैं, इसमें स्वतः सिद्ध एक धर्म विशेष होता है जिसको कोई सिखाता नहीं है, अपने आप इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक इसकी योग्यता होती है। आप नींद में सोए हुए रहते हैं, किसने इस हाथ को सिखाया कि एक मच्छर आ जाए तो तुम मार देना, कोई चोट लगते ही गिरते ही धराम से हाथ जो अपने आप सहारा बन जाता है। ये सब क्या है कि इसके स्वभाव सिद्ध धर्म है, और स्वभाव सिद्ध धर्म होने के कारण सभी एक दूसरे के उपकारक होते हैं अपने अवयवी के प्रति। तो यह जो समाज है, इन समाज के विभिन्न अवयवों को एक साथ रख करके एक दूसरे का उपकारक है, एक के बिना दूसरा काम नहीं चलता है। चलिए अब इस सब बातों पे व्याख्या नहीं, अपना मूल प्रसंग ये है। तो मूल प्रसंग ये चल रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय बिट और शूद्र का जो वर्णन यथाविद है, आपको शरीर में ही कोई पूछे कि कितने भी भाषणबाजी दुनिया दे दे कि तुम इसकी इसकी, दिन में मुँह में 20 बार मुँह में धोते हैं, स्नो पाउडर सब लगाते हैं, बार बार शीशा के सामने में जाते हैं, कितनी बार पैर को लेकर के शीशा के सामने में गए, कितनी बार उसमें कि अपने ही पैर है न, कभी जूता है तो सही है, नहीं है तो भी सही है, खाली पैर है तो भी सही है। आपको समाज की बात तो छोड़ो, आप अपने शरीर में ही बलाबल में देख रहे हो ना क्या कर रहे हो स्वतः सिद्ध पे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, चलिए उसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई एक दूसरे का विभेदक नहीं है, एक दूसरे का पूरक है और स्वतः सिद्ध धर्म है। इसीलिए कभी इस तरह की बातें सुननी हो तो अपने शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य जी के प्रवचन हैं, उनको सुना कीजिए कि क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या तात्पर्य और क्या महत्व है, और क्या कहते हैं वो कि आखिर तुमको ये तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कृत्रिम तया करो चाहे स्वभाव सिद्ध करो, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें उस समय की है, लेकिन तात्पर्य इतने में है कि एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को बलाबल दिखाने का नहीं है, क्योंकि संपूर्ण अवयवी का निर्माण अवयव से ही होता है। इसीलिए अवयव के रहने पर ही अवयवी की सत्ता है, अवयवी अवयव से ही अवयवी बनता है, इसको इतना भी कह लीजिए, अवयव से ही अवयवी बनता है। अलग किसी हाथ को रख दे तो आदमी नहीं कहलाएगा, अलग से किसी का पैर रख दे तो आदमी नहीं कहलाएगा, हाथ पैर नाक कान मुंह इन सारे अवयवों से युक्त होने पर ही वो अवयवी व्यक्ति का बोधक होगा। इसीलिए अवयव की सत्ता नहीं है, अवयव का बोध नहीं होगा, अवयव को यदि बलाबल नहीं मानेंगे, अवयव की यदि एक वाक्यता नहीं मानेंगे तो अवयवी का स्वरूप ही बोध नहीं होगा। इसीलिए इसकी स्थापना में जो यथाशास्त्र का आदेश है, वही शास्त्र का आदेश हमको मानना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बिट शूद्र, ये जो वर्ण का वाचक है यथाक्रम से प्रयोग है, इसी का इसी रूप में प्रयोग होना चाहिए। तो इसीलिए ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च बिटच शूद्राश्च शूद्रश्च, ये इसी क्रम से पाठ है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इसी क्रम से होगा, भले ही आप दो करोगे तो दो में भी इसी क्रम से बोध होगा, ब्राह्मण क्षत्रियो बिट शूद्रो इत्यर्थः। तो इस तरह से द्वंद समास में ये सारे प्रयोग होते हैं। इसी तरह से आगे छोटे छोटे नियम दे करके कहता है भ्रातुर ज्यायशः, यदि बड़ा भाई हो तो उसका भी प्रयोग पूर्व में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पिता, बड़ा भाई और गुरु, ये तीनों समान पूज्य माने जाते हैं। पिता पिता के बराबर ही बड़ा भाई, ज्येष्ठा भ्राता पिता समः, बड़ा भाई जो होता है वो पिता के तुल्य होते हैं। इसीलिए पिता का जो सम्मान होना होता है वही सम्मान बड़े भाई का होता है, और जितना पिता का सम्मान होता है उसी अनुरूप में गुरु भी पिता है। इसीलिए पिता कितने प्रकार के, पिता कितने प्रकार के होते हैं, पिता 5 प्रकार के,
पांच प्रकार के पिता कहे गए हैं। हाँ, पिताजी पांच होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पिता पांच प्रकार के कहे जाते हैं हमारे धर्मशास्त्र में। चलिए, ये व्याकरण पढ़ते पढ़ते निरस ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में कुछ ये सब बताता रहता हूँ। तो पिता पांच बताए गए हैं, कौन कौन? जनिता च उपनीता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेति पितर स्मृता। जनिता, जन्म देने वाले जो है वो साक्षात पिता। उपनीता, जो उपनीत उपनयन आदि संस्कार के द्वारा पास में रख करके कार्य कराते हैं, उपनीता। यस्तु विद्याम प्रयच्छति, गुरु जो विद्या को देने वाले हैं, और उसके साथ साथ अन्नदाता, भोजनादि देने वाला, अन्न की व्यवस्था करने वाला, और किसी भय दुख से निकालने वाला, ये पांच प्रकार के पिता कहे गए हैं। तो गुरु भी पिता हैं, और जब पिता पांच हैं तो माँ भी पांच होती हैं। ध्यान दीजिए, माँ भी पांच, पिता पांच तो माँ भी पांच। कौन कौन? तो पांच प्रकार की माता का भी वर्णन उल्लेख वर्णन मिलता है। तो उसमें अरे रे 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 बहुत समय समय। तो पांच प्रकार के माता में राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथे वच पत्नी माता। पत्नी माता में पत्नी माता मत करना, पत्नी को माँ, पत्नी की माँ, पत्नी माता। स्वमाता च पंचेता मातर स्मृत, ये पांच माँ कहे गए हैं, अर्थात मालिक की पत्नी इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिला करके यहाँ प्रयोग ये चल रहा था कि बड़े भाई का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, पूर्व में। तो पूर्व में जब प्रयोग होगा तो जैसे युधिष्ठिरार्जुनौ, युधिष्ठिरस्य अर्जुनस्य इति युधिष्ठिरार्जुनौ प्रयोग बनेगा। तो यहाँ युधिष्ठिर शब्द है और अर्जुन शब्द है। तो यद्यपि युधिष्ठिर और अर्जुन, इसमें कम अच होने के कारण अर्जुन का प्रयोग पूर्व में होना चाहिए था, लेकिन चूँकि युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, इसीलिए बड़े भाई का प्रयोग हमेशा पूर्व में होता है, इसीलिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग पूर्व में हो गया। तो युधिष्ठिरस्य अर्जुनस्य इति युधिष्ठिरार्जुनौ, ये प्रयोग बनता है। चलिए, इसी तरह से हम चलेंगे। अब अगला जो सूत्र है वो द्वंद्व समास का बहुत प्रधान सूत्र है, वो है द्वंद्वस्य प्राणी तुरी सेनांगानाम, जिसकी चर्चा करेंगे क्रमिक, धीरे धीरे। अपने पास समय बहुत है, आप लोग भी स्थिरता से इसको पढ़िए ताकि विषय समझ में आ जाए। आज घड़ी नहीं होने के कारण हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो इसीलिए इसको यही विराम देता हूँ, और फिर अपन प्रौढ़ मनोरमा को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः यहीं विश्राम और बधाई, धन्यवाद, शुभकामना, और फिर आगे के लिए अपन कक्षा को एक बल देंगे। तो दो चार मिनट के बाद फिर आप लोग उपस्थित होइएगा, तब तक मैं भी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।